यार बीजेपी के लोकसभा चुनाव के लिए पिछड़े दलितों पर खास नजर, खबर लखनऊ से है। पिछड़ों दलितों को साधने के लिए सामाजिक सम्मेलन करेंगे। पिछड़ों और दलितों को साधने के लिए बीजेपी सामाजिक सम्मेलन करेगी। योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए योजना बनाएगी। बीजेपी का युवाओं और महिलाओं पर रहेगा फोकस। खबर लखनऊ से, गणतंत्र दिवस परेड में अयोध्या का दीपोत्सव भी दिखेगा। उत्तर प्रदेश की झांकी दीपोत्सव पर होगी आधारित। झांकी में राम की पैड़ी और पुष्पक विमान भी दिखेगा। पिछले साल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिखाया गया था। खबर लखनऊ से है, सभी राज्यों की झांकियों में प्रथम स्थान मिला था। मेरठ में बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करना भाई को पड़ा भारी। खबर मेरठ से है, विरोध करने पर मंचली ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। खबर मेरठ से सामने आ रही है। आसपास के लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपी युवक को गोली मारकर मौके से हुआ फरार। पुलिस ने आरोपी मंचले की शुरू की तलाश। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के पावली खास गांव का है पूरा मामला। बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध करना भाई को पड़ा भारी। खबर मेरठ से सामने आ रही है। विरोध करने पर मंचले ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजन जुड़ेंगे। राजन, देखा जाए तो बहन की छेड़ने का विरोध करने पर भाई को भारी पड़ गया है। देखिए नंदनी, ये कल देर शाम का मामला है थाना कंकरखेले क्षेत्र के पावली गांव का, जहां पर एक बहन भाई साथ में जा रहे थे तो बहन पे एक मंचला काफी समय से अपनी एक बहन को परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत बहन अपने घर में लगातार कर रही थी। कई बार उस आरोपी को समझाया भी गया, मंचले को समझाया गया, पंचायत भी हुई और यहाँ तक कि उसके खिलाफ शिकायत भी की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जब ये दोनों जा रहे थे तो वहां से मंचले ने इन पर कमेंट किया। मंचले ने जब कमेंट किया तो भाई को वो अच्छा नहीं लगा। भाई ने उस पर जो है उसे ऑब्जेक्ट किया तो उसने जो है वहां पर उसे गोली मार दी। वो गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मौके पर पहुंची, उसे अस्पताल में भर्ती कराया। गोली मारते ही वो आरोपी वहां से मंचला जो है फरार हो गया है। पुलिस की टीम उसे तलाश रही है। इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं जानकारी ये भी मिली है कि वो पिछले काफी समय से इस लड़की को परेशान कर रहा था मंचला, जिसकी शिकायत लड़की ने अपने घर में कई बार की, वहां के स्थानीय लोगों से भी की, क्योंकि आसपास के रहने वाले हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को देखा जाए तो पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन वहीं खुलेआम इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं, चाहे वो अपहरण की बात हो, चाहे वो गोली मारने की बात हो, चाहे वो लूट की बात हो। मेरठ पुलिस की जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ध्वस्त नजर आ रही है। लो एंड ऑर्डर बिल्कुल यहाँ पर फेल साबित दिखाई दे रहा है। जी नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बेंगलुरु में होगा रोड शो। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से बड़ी जुड़ी खबर सामने आ रही है। केशव मौर्य के नेतृत्व में बेंगलुरु पहुंचे मंत्री और अधिकारी। 5 जनवरी से 9 बड़े महानगरों में शो की हुई शुरुआत। कई बड़ी कॉरपोरेट हस्तियों से भी की जाएगी मुलाकात। खबर लखनऊ से है, अलीगंज पुलिस की नया कारनामा सामने आई है। जीरो टॉलरेंस नीति को धूमिल करते दिखे दरोगा साहब। हिस्ट्री शीटर के साथ अपना बर्थडे मनाते दिखे दरोगा साहब। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। दरोगा का जन्मदिन मनाते फोटो हुआ वायरल। मामले में डीसीपी ने दिए जांच के आदेश। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। अलीगंज स्थित गल्ला मंडी चौकी इंचार्ज हैं दरोगा साहब। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, देखा जाए दरोगा साहब की एक तस्वीर वायरल हो रही है, वो हिस्ट्री शीटर बदमाश के साथ अपना बर्थडे मना रहे हैं।
जी नंदनी, ये कोई नया मामला नहीं है। लखनऊ, राजधानी लखनऊ में लगातार इस तरह के जो दरोगा और सिपाही हैं कहीं ना कहीं थाने में अपना बर्थडे पार्टी मनाते रहते हैं और काफी वीडियो और इनके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। अब ये ताजा मामला राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके का है, जहां पर सीतापुर रोड पर एक गल्ला मंडी है, वहां के चौकी इंचार्ज से उन्होंने अपना बर्थडे पार्टी इस अंदाज में मनाया कि उनको इतनी भनक नहीं थी कि हमारे साथ जो खड़ा हुआ शख्स है वो इसी थाने का हिस्ट्री चीटर है। अब सबसे बड़ी ये बात ये होती है कि जो वायरल हुआ है इनका फोटो, इनको जानकारी भी थी कि ये हिस्ट्री चीटर है, तो उसके साथ आखिर किस तरीके का इन्होंने केक काट करके अपना जन्मदिन मनाया। हालांकि कहीं ना कहीं ये पूरे पुलिस विभाग की किरकिरी करा रहे हैं, इसके लिए डीसीपी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सोशल मीडिया पर अलीगंज गल्ला मंडी चौकी के अंदर ये फोटो वायरल हुआ था, जिसमें चौकी प्रभारी जफर मेहंदी के साथ कुछ लोग खड़े हैं, तो सामने मेज पर केक भी रखा हुआ है, फोटो में साफ नजर आ रहा है लोगों में, जिसमें मैं बता दूं कि दो, एक आकाश यादव का नाम सामने आ रहा है और एक मनीष यादव शामिल है, तो अलीगंज थाने के हिस्ट्री चीटर है, दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज है। वायरल फोटो को संज्ञान लेते हुए डीसी पूर्वी सैयद कासिम आब्दी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि अलीगंज पुलिस ने 1 जनवरी 2022 को आकाश यादव और मनीष यादव के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की थी, तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से दरोगा जी अपना बर्थडे बना रहे हैं तो जरूर इनके ऊपर कुछ बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। लखनऊ में 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का होगा आयोजन, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर होगा आयोजन। 25 जनवरी को राज्य जिला बूथ स्तर पर आयोजन किया जाएगा। खबर लखनऊ से है, थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। इस अवसर पर मैं भारत हूं गीत का होगा शुभारंभ। लखनऊ में विज्ञापन लगाने वाले भवन स्वामी से वसूला जाएगा टैक्स। खबर लखनऊ से सामने आ रही, होर्डिंग वाले मकानों का फिर से होगा टैक्स असेसमेंट। टैक्स विभाग को दी गई भवनों की लिस्ट। घरों में विज्ञापन लगाने वालों को देना होगा कॉमर्शियल टैक्स। टैक्स वसूलने की नगर निगम ने की तैयारी। घरों में विज्ञापन को लेकर टैक्स वसूलने की नगर निगम ने तैयारी कर ली है। खबर लखनऊ से है, विज्ञापन लगाने वाले भवन स्वामी से वसूला जाएगा टैक्स। विकास नगर सेक्टर 4 जलकल विभाग का कारनामा, खबर लखनऊ से सामने आ रही है। खुले पार्क में पेड़ से लटका दिखा समरसिबल पैनल। पानी की टंकी को भरने के लिए पेड़ में लटका दिया पैनल। विद्युत आपूर्ति के लिए पेड़ को ही बना दिया बोर्ड। दिल्ली में पनडुब्बी वागीर आज भारतीय नौसेना में होगा शामिल। 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी शामिल होगी, बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार मुख्य अतिथि होंगे। 4 पनडुब्बियों को नौसेना में शामिल किया जा चुका है। लखनऊ में वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। नाबालिग होने को बहला फुसला कर किया था दुष्कर्म। खबर लखनऊ से है, जहां स्कूल से लौटते समय किशोरी को ले गया था अपने घर। पेय पदार्थ में नशीली दवा खिलाकर किया था दुष्कर्म। नाबालिग के पिता ने 2 दिन पहले दी थी थाने में तहरीर। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को किया गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। थाना हसनगंज का है पूरा मामला। खबर लखनऊ से है, वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। नाबालिग को बहला फुसला कर किया था दुष्कर्म। लखनऊ में DIOS स्कूल के प्रधानाचार्य पर कराएंगे FIR दर्ज। प्रैक्टिकल को कैमरे की निगरानी में न कराने का आरोप।
प्रदेश सरकार नकल विहीन परीक्षा कराने को प्रतिबद्ध। परीक्षाएं सीसीटीवी की निगरानी में न करने पर होगी एफआईआर। निगरानी के लिए 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात। लखनऊ में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर गांजा तस्कर। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। पुलिस ने तकरीबन 500 ग्राम गांजा किया बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर लखनऊ से है, जहां गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई थाना क्षेत्रों में फैला है गांजा तस्कर का कारोबार। अभियुक्त पुड़िया बनाकर करता था ग्राहकों को सप्लाई। खबर लखनऊ से है, जहां गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दक्षिण जोन के नगराम थाना क्षेत्र की है पूरी घटना। मेरठ में गणतंत्र दिवस को लेकर मेरठ में अलर्ट घोषित। खबर मेरठ से सामने आ रही, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट घोषित। 14 सेक्टर और 5 जोन को बांटा गया मेरठ जिला। एटीएस और एसटीएफ करेगी शहर की निगरानी। खबर मेरठ से सामने आ रही, गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट। साइबर सेल भी करेगी इंटरनेट मीडिया की निगरानी। स्टंट करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर की जा रही है निगरानी। खबर मेरठ से है, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट किया गया है। ड्रोन से भी की जाएगी चप्पे चप्पे की निगरानी, एसएसपी ने कहा। दिल्ली में कंझावाला मौत मामले में आरोपियों की पेशी। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, कंझावाला मौत में आज आरोपियों की पेशी। आज सभी आरोपियों की कोर्ट में होगी पेशी। हिरासत खत्म होने पर रोहिणी कोर्ट में पेश होंगे। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, कंझावाला मामले में आज आरोपियों की पेशी होगी। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था। खबर दिल्ली से है, कंझावाला मौत मामले में आरोपियों की पेशी। आज सभी आरोपियों की कोर्ट में होगी पेशी। हिरासत खत्म होने पर रोहिणी कोर्ट में पेश होंगे। आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा को जोड़ा गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। खबर लखनऊ से सामने आ रही है, लखीमपुर में सीता व रायबरेली की समीक्षा बैठक की। लखीमपुर, सीतापुर एवं रायबरेली के सांसद रहे मौजूद। सांसदों और विधायक गणों के साथ समीक्षा बैठक की। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। आज निवेशक यूपी में निवेश के लिए उत्साहित, सीएम ने कहा। सरकार पवित्र तीर्थ स्थल के विभिन्न कार्य करा रही है, सीएम ने कहा। नैमिषारण्य में पर्यटन विकास के विभिन्न कार्य करा रही है। लखनऊ में यश भारती की तर्ज पर यूपी गौरव सम्मान। खबर लखनऊ से सामने आ रही है, भाजपा शुरू करने जा रही है यूपी गौरव सम्मान। सपा के यश भारती सम्मान की तर्ज पर शुरुआत। योजना के लिए 50 लाख की धनराशि स्वीकृत। खबर यूपी से है, जहां बीजेपी शुरू करेगी गौरव सम्मान। 4 विभूतियों को 11-11 लाख की राशि दी जाएगी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।